ये है मंडी सादकाबाद। मैं पूछता हूँ कौन सा बाबा जी, इस जगह का नाम क्या है? हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल मैं और अपने फ्रेंड्स के साथ एक सिटी को घूमने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ है प्रीतम शर्मा, विनय भाई और आप मुझे तो जानते ही हो। तो अभी हम एक हाईवे पर रुके हैं। तो फ्रेंड्स ये है चौक बहादुरपुर। यहाँ से आप लोगों को यानी कि ये वो सिटी नहीं, ये अड्डा है यानी कि N5 जो यानी कि नेशनल रोड है उससे क्रॉस होती है। यहाँ से टर्न आउट गाड़ियाँ होती है सिटी रहीमिया खान की तरफ। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं जहाज चौक, इसे जहाज चौक भी बोला जाता है इस जहाज की वजह से। पार्क है साथ ही में, ये पार्क है। तो पार्क में हम यानी कि ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे सिटी और भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इस सिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ये सिटी जो है ये बहावलपुर के एक नवाब सादिक खान के नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया है सादिकाबाद। पहले ये एक छोटा सा अड्डा हुआ करता था लेकिन अब ये सिटी। और इसकी एक और मैं खास चीज आप लोगों को बता दूं कि ये यानी कि दुनिया में तीन ही ऐसे वाइज सिटी हैं जिनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। और ये यानी कि पाकिस्तान का ऐसा एक लौता सिटी है जिसकी बर्थडे यानी कि एनिवर्सरी मनाई जाती है। दुनिया में लाखों सिटी है बट किसी की ऐसा नहीं होता कि उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की जाए, लेकिन ये सिटी ऐसा है। तो ये लकीली ऐसा है। तो अभी मैं आप लोगों को ये सिटी अंदर से भी दिखाऊंगा और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। थोड़ा सा सिंपल है बट बहुत ही अच्छा लगेगा आई होप आप लोगों को। तो इसी के साथ हम चलते हैं सिटी में। तो फ्रेंड्स हम फाइनली यानी कि फ्लाईओवर पर कुछ देर के लिए आए हैं। तो फ्लाईओवर भी सोच आप लोगों को भी दिखा दूं कि कैसा है फ्लाईओवर। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग सामने से सूरज काफ़ी मेरी आंखों में पड़ रहा है ना। बाकी आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये है रेलवे स्टेशन की पटड़ियाँ, रेलवे लाइन से आप लोगों को पूरा सिटी दिखेगा जैसा कि दिख भी रहा है सारा सिटी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम ना वहाँ से बाइक से थक चुके थे तो फाइनली हम ना यहाँ पे आके रुक गए एक पार्क में आके, क्योंकि अच्छा सा मॉल दिख रहा था। विनय भाई अब ड्रिंक लेने गए हमारे लिए। तो अभी ये प्रीतम शर्मा और ये तो आपका दोस्त सामने ही खड़ा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम यहाँ पे बैठे हैं गर्मी से थक हार के। वो भाई देखो वो भी न्यू यूट्यूबर यानी कि व्लॉगर बन रहा है। तो फ्रेंड्स हमने फाइनली यानी कि ड्रिंक्स पी लिया, बाकी विनय भाई एंड तो प्रीतम शर्मा तो पी रहे हैं। पियो पियो भाई, मैं तो दो गिलास से फुल हो चुका हूँ। तो फ्रेंड्स हमने ना ड्रिंक पीने के बाद हम सीधा आए इसी अड्डे पर। ये ना सादिकाबाद का सबसे फेमस अड्डा है जिसे बोलते हैं टिल्लू अड्डा। तो ये टिल्लू अड्डे पर मैं अभी घूम रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो होते हैं फ्रूट्स वाले लोग बैठे होते हैं, जैसे वो फ्रूट बेच रहे हैं भैया अपने छोटे छोटे यानी फ्रूट्स वाली अड्डे, रेड़ियाँ सभी लगी हुई हैं। तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी यानी कि बढ़िया लगता है। इस अड्डे को बोलते हैं टिल्लू अड्डा। तो काफ़ी मस्त लगता है, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये है थोड़ा सा सिंपल इस वजह से। तो अभी मैं वहीं पर हूँ। तो अभी हम यहाँ से कुछ ले तो नहीं सकते घर के लिए, क्योंकि हम अदर सिटी में है ना। तो अदर सिटी में कुछ घर के लिए नहीं ले सकते ना, घर तो काफ़ी दूर है। तो अभी हम यहाँ पे घूमेंगे और आप लोगों को कुछ इस प्राइस में पूछ के बताता हूँ अभी बाबा जी से। बाबा जी कैसे हैं, ये भिंडी कैसे दे रहे हो? 80 रुपये भिंडी। और ये क्या है, अरबी? अरबी कैसे? 100 के 1.5 किलो। और टमाटर? टमाटर 100 रुपये। मिर्च? मिर्च चल रही है बहुत महंगी है, 80 रुपये पाव चल रही है। अच्छा, तो मिर्च पापा जी के पास नहीं है क्योंकि मिर्च जो है काफ़ी महंगी है, 300 रुपये किलो, 80 रुपये पाव। तो इस वजह से बाबा जी बोले कि नहीं है। हम कुछ ले तो नहीं सकते उनसे क्योंकि आपको पता है ना मैं अदर सिटी में हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को इधर का और व्यू दिखाता हूँ। सामने पॉपकॉर्न वाला भी बैठा है भैया, पॉपकॉर्न। अभी तो वो तो मैच देखते हुए खाते हैं ना जैसे। कैसे भैया? ठीक सर, क्या हो रहा है? वीडियोस बना रहा हूँ, व्लॉग जिसे बोलते हैं यूट्यूब के लिए। हाँ, ये कैसे एक थैली? ये सर मीठे वाले हैं। हाँ, ये 30 का पैकेट भी है, 60 का भी है। अच्छा, ये इसका बनता है? ये मकई के पॉपकॉर्न। ठीक ठीक, मकई, शुक्रिया, थैंक यू। तो देख सकते हैं यह काफ़ी यानी कि बढ़िया है। तो अभी हम चलते हैं इस साइड। तो ये यानी कि टिल्लू अड्डा काफ़ी बढ़िया दिखता है, देख सकते हो आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। है थोड़ा सा सिंपल बट है तो टिल्लू अड्डा ना। तो फ्री में अगर आप लोगों को सिम चाहिए तो फ्री में सिम मिल जाएगी यहाँ से, फ्री में सिम है ना यहाँ से। शुक्रिया।
तो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी हैं, यानी कि अड्डा है, तो अड्डे के सामने तो खाने पीने की चीज़ें भी होनी चाहिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है तो बता दें। उस साइड बैठा है एक पकौड़े समोसे वाला, तो उससे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे दे रहा है, उस चीज़ का प्राइस आप लोगों को पता चल जाएगा और साथ साथ आप लोगों को वो भी पता जाएगा कि है कैसा। राजमा देखना चाहते तो राजमा, तो भैया राजमा सामने, राजमा चावल हमारा फेवरेट है, तो कैसे है भाई ये? 80 रुपये। तो राजमा जो है 80 रुपये, 80 रुपये है। तो ये हमारे चावल में जब होता है तो बेस्ट लगता है, मुझे चावल तो काफ़ी अच्छा खाता ही हूँ। कैसे है भाई सेब कैसे है? 100 रुपये किलो भाई। 100 रुपये किलो, तो एप्पल काफ़ी सस्ता है, 100 रुपये किलो, बहुत अच्छा है, दिख भी अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा। सामने से यानी कि ये टिल्लू अड्डे के बाद ये जो है सड़क, ये मेन सड़क होती है सिटी में जाने के लिए, यहाँ से हम सिटी में एंटर हो जाते हैं। वो अड्डा है बस स्टैंड जिसे बोलते हैं, बस स्टैंड के बाद यहाँ से सीधा सिटी में एंटर हो सकते हैं। तो कितने किलो सेब? 120 रुपये। थोड़ा ना किया शबीर, शबीर भाई 120 रुपये किलो सेब बेच रहे, बड़े प्यारे सेब ने, देख लो काफी प्यारे ने। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को पकौड़े वाला दिखाता हूँ, पकौड़े वाले भैया। तो ये देखो कैसे दे रहे हो पकौड़े भैया? 150 रुपये पाओ पकौड़ा। 150 रुपये पाओ है। समोसा कितने का? 20 रुपये का समोसा। तो अब डेली बनाते होगे, कितने टाइम से बना रहे हो? 40 साल। तो भाई साहब 40 साल से पकोड़े समोसे का काम कर रहे हैं, काफी हाथ में टेस्ट भी होगा, आई होप हम टेस्ट भी करेंगे आगे जाके। तो अभी हम चलते हैं यहीं से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे रुके थे, तो कुछ खाने की चीज देखते हैं, लेकिन खाने के लिए ना पकौड़े वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं आगे देखता हूँ कुछ और खाने को मिलता है, तो वही पकोड़े या समोसे कुछ ऐसी चीज चटपटी देखता हूँ। तो फाइनली आप लोगों को सामने का व्यू दिखा देता हूँ, देख सकते हो। तो अभी मैं देखता हूँ कुछ खाने की अच्छी चीज़ मिलती है तो वो भी, और साथ साथ यहाँ का थोड़ा सा व्यू देख लें। ये है मंडी सादकाबाद, मैं पूछता हूँ कौन सा बाबा जी इस जगह का नाम क्या है? नहीं, ये इस चौक का स्टेशन चौक। तो फ्रेंड्स इस चौक का नाम है स्टेशन चौक। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ स्टेशन चौक है, अभी तक तो कुछ पकौड़ा समोसा ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही। टमाटर कैसे है भैया? 2 किलो 150 रुपये के। 2 किलो 150 रुपये के टमाटर। टमाटर लेना हो तो आ जाओ इन भाई से। तो यहाँ पे फिश भी बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी इसका जो ये तहसील है रहमयार खान जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसील है, और ये पंजाब का सिटी है पंजाब। तो फ्रेंड्स अभी हम ना स्ट्रीट फूड यानी के कुछ फास्ट फूड खाना चाह रहे थे, तो समोसा हम खा रहे हैं। तो विनय भाई और प्रीतम शर्मा लेने गए हैं, तो मैं तो अभी यहीं पे खड़ा हूँ उनके, वो देख सकते हैं प्रीतम शर्मा हमें खिला रहा है ये सभी, तो उनका धन्यवाद भी है, हम धन्यवाद करते हैं, और वो भी लेकर आते हैं। तब तक मैं यहीं पर रुकता हूँ, ये हमारी बाइक है वो सामने, मैं थोड़ा सा आप लोगों को झलक दिखा देता हूँ समोसे वगैरह की। तो ये समोसा, ये पकोड़ा, ये रूल, तो इनकी प्राइसेस मैं आप लोगों को बता दूँ। ये कितने का है? ये 25 रुपये का भाई, 25 का समोसा। और पकोड़े का तो कोई रेट नहीं होता, और रूल होता है कितने? 15 रुपये का रूल है। तो ये इनका छोटा सा यानी कि स्ट्रीट में लगाया गया, ये स्ट्रीट फूड बोल सकते हैं इसे। तो बाकी ये देखे इधर भी है पूरा गली। तो अभी हमारे लिए 3 प्लेट्स रेडी हो रही हैं, तो ये प्लेट है, एक रूल, एक छोटा समोसा, 2 पकोड़े। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि इस सिटी में क्या कुछ हुआ, सब कुछ आप लोगों ने कमेंट में बताना है, और मेरे पीछे विनय भाई एंड प्रथम दास। तो आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। बेड लाइट होने वाली है इवनिंग में, हमें यानी के जाना भी है घर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।